प्रिय साथियों, श्री सद्गुरुदेव श्री महाराज जी और माता जी का दिव्य आगमन दारचूला आश्रम में। जी हाँ दोस्तों, दारचूला आश्रम में श्री महाराज जी और माता जी का दिव्य आगमन हुआ। आज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री श्री महाराज जी जनपद पिथौरागढ़ स्थित ओल्ड लेपुलेख पास की 18,000 फीट के ऊंचाई पर पहुंचकर कैलाश के दर्शन किए। उत्तराखंड आने वाले शिव भक्तों के लिए अच्छी बात है कि अब उन्हें देवादिदेव महादेव के निवास कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए चीन जाने की आवश्यकता नहीं। आज श्री महाराज जी विकासखंड चारचूला पिथौरागढ़ के छारछुक में बन रहे निर्माणाधीन भारत नेपाल मोटर पुल का निरीक्षण किया व संबंधित विभाग को जल्द से जल्द शेष कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिए। साथ ही कस्टम चौकी व रोड की चौड़ाई बनाने के भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय महाराज जी सबको बधाई दिए। विशेष दिन और योग भी विश्व को भारत के देन है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिवस को संबोधित करने का भी श्री महाराज जी प्रस्ताव रखे थे। इसी क्रम में श्री महाराज जी रामलीला मैदान पिथौरागढ़ में योग दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड व पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र श्री भगत सिंह केशवारी जी के साथ श्री महाराज जी योग किए। श्री महाराज जी ने कहा कि आप सब भी अपनी दिनचर्या में योग को अवश्य सम्मिलित करें। प्रिय साथियों, श्री सद्गुरुदेव श्री महाराज जी और माता जी का दिव्य आगमन दारचूला आश्रम में। जी हाँ दोस्तों, दारचूला आश्रम में श्री महाराज जी और माता जी का दिव्य आगमन हुआ। मानव उत्थान समिति सिक्किम ने पूज्य महात्मा श्री नीलांबरी बाई जी के नेतृत्व में उत्तर सिक्किम मंगन जिले की मंगशिला में 25 घरों को राहत सामग्री वितरित की। परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज जी के प्रेरणा से मानव उत्थान समिति लुधियाना पंजाब ने दिनांक 19 जून 2024 को श्री राजहंस मंदिर आश्रम उपकार नगर सिविल लाइन में मिशन एजुकेशन के तहत बच्चों का समर कैंप का आयोजन किया, जिसमें इस कार्यक्रम का प्रारंभ महात्मा जीविका बाई जी द्वारा श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में माला अर्पण करते हुए किया। और इस कैंप में बच्चों द्वारा ड्राइंग, योगा, कविता, खेलकूद और मन नियंत्रित गतिविधियां कराई गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वादल टीम और प्रेमी भक्तों का सहयोग रहा।